देश शोकाकुल है, सिलसिला लगातार जारी है। बता दें आपको कि अब पार्थिव शरीर बीजेपी मुख्यालय की ओर रवाना किया जा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, जननायक, एक युग का अंत हुआ, देश का जन जन नमन कर रहा है, श्रद्धांजलि दे रहा है अपने इस प्रणेता को, जननायक को। पार्थिव शरीर अब बीजेपी मुख्यालय के लिए ले जाया जा रहा है। 1 बजे तक बीजेपी मुख्यालय में पार्थिव शरीर को रखा जाएगा, दर्शन के लिए, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए लोग सुबह से ही बीजेपी मुख्यालय में मौजूद हैं, अपने जननायक को आखिरी बार देखने के लिए। अजर अमर अटल बिहारी वाजपेयी। एक युग का अंत, लेकिन उनके संकल्प, उनके सिद्धांत युगों युगों तक जनमानस के पटल पर रहेंगे। भावभीनी श्रद्धांजलि पूरा देश अर्पित कर रहा है अपने इस जननायक को। अटल बिहारी वाजपेयी के निवास स्थान से अब उनका पार्थिव शरीर बीजेपी मुख्यालय की ओर ले जाया जा रहा। सेना का वाहन तैयार है, राजकीय सम्मान के साथ पूर्व प्रधानमंत्री का पार्थिव शरीर सेना के वाहन में। एक युग का अंत है, राजनीति का वो सितारा जहां तक पहुंचना दुर्लभ है। राजनीतिक और सार्वजनिक क्षेत्र में वो मापदंड कायम किए हैं अटल बिहारी वाजपेयी ने, जिस तक पहुंच पाना नामुमकिन है। उनके संकल्प, उनके सिद्धांत युगों युगों तक प्रेरक रहेंगे। एक सजग राजनेता, प्रखर वक्ता, संवेदनशील कवि और पत्रकार, बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी रहे अटल बिहारी वाजपेयी। विराट हृदय और अटल व्यक्तित्व के धनी थे, यही वजह रहे कि वो जनमानस के प्रिय हैं, जन जन उनको चाहता है। आदर तो बहुत नेताओं का हुआ, लेकिन इतना प्रेम, इतना प्यार किसी नेता को मिलना, ये बताता है कि वो नेता किस स्थान पर है, वो जनता के दिल में है, जनमानस के पटल पर है। अटल बिहारी वाजपेयी के निवास स्थान से अब उनका पार्थिव शरीर सेना के वाहन में। सात दिन का राष्ट्रीय शोक है, राजकीय सम्मान के साथ पार्थिव शरीर रवाना होगा बीजेपी मुख्यालय। राजनीति के अटल युग का अवसान है अटल बिहारी वाजपेयी का जाना। जो विरोधियों को भी अपना मुरीद बना ले, वो अटल बिहारी वाजपेयी ही हो सकते हैं। राजनीति की कार्यशैली ऐसी कि मतभेद तो हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं। राजनीतिक जीवन में या फिर सार्वजनिक जीवन में एक ऊंचा मापदंड कायम किया अटल बिहारी वाजपेयी ने, युगों युगों तक नमन किए जाते रहेंगे, प्रेरणा स्रोत रहेंगे
आने वाली पीढ़ी के लिए एकमात्र ऐसे नेता रहे अटल बिहारी वाजपेयी, जो अपने जीवन काल में राजनीति के लिए लीजेंड बन गए। पार्थिव शरीर की रवानगी बीजेपी मुख्यालय की ओर। कोशिश यही की गई है कि इस जननायक की अंतिम विदाई भव्यता के चरम पर हो। ఇప్పుడే ప్రారంభమైంది. మనం గమనించవచ్చు ప్రభుత్వ అధికారిక లాంఛనాలతో అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి త్రివిధ దళాల ఖాస్ సే లేకర్ ఆమ్ సైనికులతో దుఃఖీ హై, నిరాశ హై, अपने जनप्रिय नेता को खोने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सौम्य छवि, जिंदा दिल व्यवहार, उनके व्यक्तित्व में चार चांद लगाता रहा। राजनीति के लिए विरले महापुरुष रहे अटल बिहारी वाजपेयी। दोपहर 1 बजे तक लोग अंतिम दर्शन कर सकेंगे बीजेपी मुख्यालय में। రథం బయలుదేరింది. మిలిటరీ ప్రభుత్వ అధికారిక లాంఛనాలతో జరుగుతున్న ఈ కార్యక్రమానికి చాలా మంది బీజేపీ సీనియర్ నేతలంతా కూడా ఉన్నారు. ప్రముఖులంతా వచ్చిపోయారు. అన్ని రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు, మాజీ ముఖ్యమంత్రులు, సీనియర్ నేతలు, అలాగే చాలా మంది దాదాపుగా ఇక్కడ ఉన్న పార్లమెంటు సభ్యులందరితో పాటుగా కేంద్ర మంత్రులు అయితే నిన్న సాయంత్రం కూడా వచ్చిపోతా ఉన్నామని 2004 के बाद से ही अटल बिहारी वाजपेयी सार्वजनिक जीवन से दूर रहे। लंबे अरसे तक न लोग उन्हें देख पाए, न उनकी तस्वीर देख पाए, लेकिन अब जब उन्होंने संसार से विदाई ली है तो करोड़ों भारतीयों के दिल से टीस उठ रही है। उनकी रिक्तता भरना संभव नहीं है। बड़ा मन, विशाल हृदय, समदर्शी सोच, हर पहलू से पूर्ण थे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, अपने आप में एक दर्शन थे। ऐसा दर्शन जो हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहा और ये बताता रहा कि पराजय तब तक नहीं होती जब तक आप मान करना चलें। पराजय से निराश न हो, आगे बढ़ते रहें, ये फलसफा रहा अटल बिहारी वाजपेयी का। सरी थोड़ा सर, सरी।
पार्थिव शरीर बीजेपी मुख्यालय की ओर जाता हुआ बिहारी वाजपेयी को राजनीतिक मर्यादा और खूब आदर मिला। इसकी वजह भी यही थी क्योंकि उन्होंने कभी किसी के आदर सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाई। एक मर्यादा एक दायरे के अंदर रहकर उन्होंने राजनीति की, विरोधियों को भी उन्होंने अपना कायल बनाया, मुरीद बनाया। उनमें विश्वास की ऐसी तरंग थी जो सामने वाले के लिए हमेशा प्रेरक रही। उनकी भाषा में, उनकी शैली में एक खिंचाव, एक आकर्षण रहा। उनके ओजस्वी भाषण लोगों के लिए हमेशा प्रेरक रहे। न जाने कितने नेता, कितने लोगों ने उनको देखकर, सुनकर राजनीति में आने का निर्णय किया। उनको देखकर, उनको सुनकर न जाने कितने लोग कवि बने। मां भारती के सच्चे सपूत अटल बिहारी वाजपेयी अटल अमर रहे, अजर रहे, नारे गूंज रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी शायद एकमात्र ऐसे नेता नहीं होंगे जो अपने जीवन काल में ही एक लीजेंड बन गए थे।
हर आंख पुरनम है, हर दिल गमजदा है, लोग याद कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, अटल अमर रहें, अजर रहें। एक युग का अंत हुआ है, देश का एक महान सपूत, सबका चहेता जननायक, एक अपूर्णीय क्षति है, बड़े राजनीतिक शख्सियत, प्रखर वक्ता, चिंतक और करिश्माई व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी। आप लोग लगाते रहे, वो चलते रहना, उनको भी चलते रहना, उनको भी चलते रहना, आप लोग भी चलते रहना।